हेलो। हाय रूबल। हाँ जी, मैं एडवर्टाइजिंग हब से निलेश बात कर रहा हूँ। अच्छा, मुझे ये जानकारी मिली थी कि आप अपने प्रोडक्ट के लिए कोई एड्स बनवाना चाहती हैं। मैं जान सकता हूँ किस तरह का प्रोडक्ट है? बेसिकली हाउस होल्ड यूज की प्रोडक्ट में हम लोग डील करते हैं। आपको नंबर किसने दिया है? वेयर यू गॉट माय नंबर फ्रॉम? आपका नंबर मुझे मिला था मेरे ही एक मित्र से। उन्होंने मुझे बताया कि आपको अपनी कंपनी के लिए एड्स बनवाने हैं। ओके, तो क्या मैं जान सकती हूँ क्या सर्विसेज, मतलब किस तरह से करते हैं आप? हमारा काम 25 साल पुराना है। इस काम में अभी तक कोई शिकायत ना ही शिकवा है। लेट मी ब्रीफ यू स्टार्टिंग अबाउट आवर कंपनी। बेसिकली हम लोगों ने अभी अपनी कंपनी मार्केट में लॉन्च की है एंड वी आर बेसिकली डीलिंग इन टू कॉस्मेटिक्स एंड ऑल दैट स्टफ। यू आउट सो दैट यू कैन जस्ट गिव मी द आउटलाइन कि आप एड में क्या मतलब फैक्टर्स डालेंगे एंड ऑल दैट। अरे वाह, ये तो कमाल है। अगर आपकी ऐसी कंपनी है तो इसके तो अच्छे एड बन सकते हैं। वेयर इज योर ऑफिस प्लेस? हमारा ये काम 25 साल पुराना है। आज मैं घर से ही बात कर रहा हूँ और आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारी कंपनी आपको एड बनाने में देगी भारी से भारी डिस्काउंट। ओके, आप क्या थोड़ा सा मुझे प्लीज ब्रीफ करेंगे? मैं आपको अभी ब्रीफ करके देता हूँ। देखिए, आज तो मैं अपने ऑफिस में नहीं हूँ, अपने घर से ही बात कर रहा हूँ, लेकिन एड का काम हमारे खून में, हमारा खानदानी ये काम है। हम एड ही एड बनाते थे। अभी मैं घर पे हूँ, किसी दिन मीटिंग फिक्स करते हैं और आपसे करते हैं दो चार बातें। आज मेरी उम्र हो गई कोई 52 साल, लेकिन ये काम मैंने करना छोड़ा नहीं। ठीक है, पर आप मुझे फिर भी एक सेकंड होल्ड करिए, मेरी बहू आ रही है। अरे बहू, कहाँ जा रही हो? पिताजी, मैं जा रही हूँ करोल बाग, जहाँ लगी हुई है उत्तम साड़ियों पे उत्तम सेल। ज्यादा जानकारी के लिए उसी से संपर्क करें। वाह, ये हुई ना फायदे की बात। बहू, तुम जाओ करोल बाग और उठाओ उत्तम फायदा। जी रूपल, मैं आपको बोल रहा था, क्या पूछ रही थी आप? आप मेरे को बता रहे थे कि आपका क्या है। एक सेकंड होल्ड करिएगा, मेरा बेटा घर से बाहर जा रहा है, जरा पूछता हूँ। अरे बेटे, कहाँ जा रहे हो? पिताजी, मैं जा रहा हूँ हमारे कॉलेज के कॉम्पिटिशन में, जो लगातार 2 दिन तक चलने वाली है। अवश्य जाओ, लेकिन किसी भी लावारिस वस्तु को मत छूना, क्योंकि लावारिस वस्तु हो सकती है बम। इसकी सूचना मिलते ही किसी भी पुलिस वाले को सूचित करना और अपना कर्तव्य निभाना। मैं अभी फोन पे बात कर रहा हूँ, सो बाय। जी आप क्या बोल रही थी? को मतलब ऑन एयर होगा, टेलीविजन पे होगा, कैसे होगा, थोड़ा सा बता सके? एक सेकंड होल्ड करिएगा। अरे बेटी, तुम कहाँ चली? पापा, मैं तो जा रही हूँ श्यामलाल कॉलेज, जहाँ अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में 4,000 की छूट है। अरे वाह, ये हुआ ना फायदे का सौदा। आई एम सो सॉरी। जी अब आप बोले क्या पॉसिबल हो सकता है? एक मीटिंग पिकअप कर लीजिए और आके मेरे को चीजों को डिमॉन्स्ट्रेट कर दीजिए थोड़ा। जरूर जरूर, लेकिन होल्ड करिए, मेरे दादाजी आ गए, घर ही में हूँ मैं। अरे दादाजी, आज आप घूमने नहीं जाएंगे? नहीं बेटा, क्योंकि आप कुछ लोगों ने बड़े बुजुर्ग लोगों के लिए सेवा शुरू कर दी है, तो घर आकर उनसे बातें करते हैं और उनका दिल लुभाते हैं। कंपनी में काम करते हैं आप? कैरेक्टर्स आपके घर में सारे एडवर्टाइजिंग के कैरेक्टर्स? हमारे तो खून में है एडवर्टाइजिंग, और हमारे ही खून में है किसी को परेशान करना। मैं रेडियो मिर्ची से दिल्ली का डॉन नवेद बोल रहा हूँ, और मैंने बनाया है आपका एक मुर्गा। जी हाँ, आज ही मुर्गा बनाने के लिए आप नवेद से संपर्क कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए कुछ मत करिए।